गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के इस नए ज़माने में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है, हम लोग ये जानते हैं कि साथियों 724 पूरी दुनिया के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने, जोड़ने या साथियों सूचनाओं यानी इन्फॉर्मेशंस को साझा करने का यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोग ये भी जानते हैं साथियों कि ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिना का जो एक बाउंड्रीलेस सोसाइटीज का करैक्टर है, अगर कोई उसका सबसे फर्म और सबसे एब्सोल्यूट कोई एग्जांपल है, वो भी ये सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का प्लेटफॉर्म है। साथियों, कॉरपोरेट कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अगर इनकम जनरेट करने की बात करें, तो फिर चाहे साथियों यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो और दूसरे जो बहुत बड़े बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर इनकम जनरेट करने की बात करें, तो फिर अभी एब्सोल्यूटली ये दुनिया के सबसे अपडेटेड वर्जन हैं और इनसे जुड़े जो लोग हैं यानी सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग हैं, वो भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून से। साथियों, हम लोग ये जानते हैं कि अपनी क्वालिटी, अपना हुनर, अपने स्किल्स और जो भी हमारे बेस्ट है साथियों, उन सब को बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी हर्डल्स के शेयर करने के अगर कोई सबसे उपयुक्त और सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म ही हैं। साथियों, ये बात सही है, चाहे सोशल अवेयरनेस की बात हो, पॉलिटिकल मिशंस की बात हो, गैर राजनीतिक मिशंस की बात हो, कल्चरल इंटरेक्शन की बात हो, एजुकेशनल मिशंस की बात हो, नॉलेज शेयरिंग की बात हो, उसके लिए भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं साथियों। साथियों, अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में तो स्टूडेंट्स रिवॉल्यूशन हुआ, जिस तरह से सत्ता यानी तख्ता पलट हुआ, उसमें भी सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। यानी साथियों, सेकंडों में, मिनटों में आप अपने आइडियाज, आप अपने जो भी थॉट्स हैं उनको शेयर कर सकते हो, पूरी दुनिया को अपडेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी या साथियों ये जो कारनामा जिस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। साथियों, भाई तकलीफ की बात है कि मेरा नेटिव यानी बर्थ प्लेस मेवात है, मैं मेवात से जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज मैं शिक्षक हूँ साथियों, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खोलता हूँ और फिर हमारे यूथ की जब पोस्ट जो अपडेटेड मिलती है वहाँ, उनको जब देखते हैं या देखता हूँ, तो बहुत तकलीफ़ होती है। साथियों, दुनिया में ये बात सही है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया का अगर कोई ईंधन है तो पैसा है, लेकिन साथियों हिस्ट्री की लीगेसी की बात कर लें, बड़े बुजुर्गों के थॉट्स की लीगेसी की बात कर लें, तो हमें ये साथियों ये
कहा जाता रहा, ये शेयर किया जाता रहा कि हलाल और हराम रोजी के बीच की लाइन का फ़र्क रखना चाहिए। हमें ये भी बताया जाता रहा कि पैसे और हमारे बीच में हुनर, क्वालिटी, स्किल्स, साथियों मीडियम या मीडिएटर होने ही चाहिए। और अगर हमारे और पैसे के बीच में मीडिएटर्स नहीं हैं, नहीं रहेंगे, तो फिर सोसाइटी में बहुत सस्ता प्रचलन है इनके लिए। इसे बहुत आसानी से लोग हराम का पैसा, शॉर्ट टर्म का पैसा नाम देने लगते हैं। और फिर साथियों, ये कोई बहुत मेयार नहीं है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, आखिर मौत है साथियों, ये भी तय है कि मौत के बाद फिर दोबारा यहाँ कोई रिटेक नहीं है, कभी यहाँ आने नहीं होगा। हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, ये बता सकता हूँ कि भले ही हम लोगों को भुलावे में रखकर, छलावे में रखकर, लोगों के साथ धोखा देकर अपने कंटेंट्स, अपनी बातें, अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली एक्सपोज करें, लेकिन जब रियलिटीज़ का पता चलेगा तो फिर हिस्ट्री कभी माफ़ नहीं करती, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। तारीख साथियों एक दर्पण की तरह, आईने की तरह है, लोग इसको देखेंगे, आपको रिव्यू करेंगे, तो बहुत तकलीफ़ होगी। यानी हम सब लोगों को साथियों, हर पल की ज़िंदगी हमें एक मेयार, हमें तकवे, बल्कि साथियों हमें बहुत ही तरबियत वाले निज़ाम से गुजारनी चाहिए। आज जिस तरह से हमारे मेवाती भाई बहन, उनमें सब नहीं, बहुत सारे लोग सिर्फ चंद डॉलरों की खातिर, चंद पैसों की रोकड़ की खातिर जिस तरह से कंटेंट्स डाल रहे हैं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, साथियों एक कतई सही नहीं है। ऐसे लोगों को रिव्यू करना चाहिए अपने इन कारनामों के लिए, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है साथियों। मेवात कि तारीख, मेवात की लिगेसी, मेवात की हेरिटेज बहुत रिच रही है साथियों। ये खित्ता बर्रे सगीर और पूरी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और हमें जिस तरह से इन दिनों में मेवात बदनाम हुआ है, बहुत सारी नेगेटिव चलन प्रचलन के कारण, साथियों ऐसा ना हो, नहीं हो कि सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी हम डिफेम हो जाएं। हमें हर हाल में अपने कंटेंट्स, अपने एथिकल एटीट्यूड का ध्यान रखना चाहिए साथियों। मेरा इतना तक सोचना है कि अगर गलत गलत असली और साथियों हल्के मेयार के कंटेंट्स अगर आप अपडेट करेंगे, शेयर करेंगे, तो इससे अच्छा है डकैती कर लो, चोरी कर लो, लूट कर लो साथियों, ये कतई ठीक नहीं है। हमें हर हाल में क्वालिटी कंटेंट्स, एथिकल कंटेंट्स, हमारी बहन बेटियों को ध्यान में रखकर, हमारे बच्चों को ध्यान में रखकर, हमारी नस्लों को ध्यान में रखकर, हमारी तारीख को ध्यान में रखकर, हमारे मेयार को ध्यान में रखकर डालने चाहिए। शॉर्ट टर्म कभी भी दुनिया का बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट मोटिवेशन नहीं हो सकता साथियों। हार्ड वर्क के साथ क्वालिटी कंटेंट्स हमें बनाने ही चाहिए। और सोशल मीडिया पर हो सकता है कि हमें पॉपुलैरिटी शॉर्ट टर्म के लिए मिल भी जाए साथियों, ये बहुत फास्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ आइडियाज बहुत फास्ट यानी तेज़ी से बदलते भी हैं। जिस दिन आपके बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, लोग आपसे शिफ्ट कर जाएंगे, लोग आपको गालियाँ देंगे। हमें जेंडरली बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए महिलाओं का, दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है साथियों। ठुमके लगाने से, शरीर हिलाने से अगर चंद रोकड़ मिलते हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप लाइफ टाइम परमानेंट अपना करियर अचीव करें, सोसाइटी भी उन्हीं को प्लेटफॉर्म देगी साथियों। ये बहुत वर्चुअल सा वर्ल्ड है, ये यहाँ
रियलिटी समझ के आप उस कंटेंट्स उन फॉलोवर्स के सहारे नाचने कूदने लगते हैं। ये मुझे लगता है आपका बचकानापन है, ये इमेच्योरिटी है। जो ज़माना आपको तालीम और हार्ड वर्क और अपना करियर बनाने में, फिर करियर बिल्ड करने में देना चाहिए, हम बहुत ही सस्ती लोकप्रियता और चंद रोकड़ों की खातिर साथियों ये अपने कंटेंट्स शेयर कर रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें। इन प्लेटफॉर्म्स के भी अपने एथिक्स हैं, यहाँ रिपोर्ट्स का, FIR का और बहुत सारे ऑप्शंस हैं साथियों। ऐसा ना हो जाए कि आपकी ही सोसाइटी के वो लोग, आपसे ही जुड़े वो लोग जो आपको अभी झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको लाइक दे रहे हैं, वो एक दिन आपके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करें, एक दिन आपके खिलाफ सख्त लहजे में या तो पोस्ट डालेंगे या साथियों आपको ब्लॉक करेंगे, तब फिर आपकी फजीहत होगी। और वैसे भी साथियों अगर आप सोसाइटी को समझेंगे तो दुनिया में जितने लोगों ने भी सोसाइटी या नाम कमाया वो अपने हुनर से कमाया, जो उनका शोबा था, जो उनका एरिया था, उस एरिया में मेयर वाले वर्क से कमाया। ये नहीं है साथियों कि कहीं से भी वल्गरिटी के, अश्लीलता के वीडियोस या साथियों कंटेंट्स ले लिए और शेयर कर दिया और उस पर इमेच्योरिटी में कुछ बच्चे या कुछ लोगों ने आपको लाइक्स दे दिए और आपको कुछ डॉलर्स मिल गए, चंद रोकड़ मिल गई और आपकी वाहवाही हो रही है। ये रियलिटी नहीं है दुनिया में। ज़रूर हमें दुनिया को एक अलग मेयार से समझना चाहिए, दीन के मेयार से भी समझना चाहिए। शायद हम बहुत एक कुएं के मेंढक की तरह यहाँ चीज़ों को समझ रहे हैं। कई साथियों को तकलीफ हो रही होगी लेकिन ये एक रियलिटी है, एक नेक्ड रियलिटी है साथियों कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस तरह के एक ट्रांजिशन के फेज से मेवात गुजर रहा है, हमें मेवात को बेहतर मेवात बनाने में खुद के एफर्ट्स देने चाहिए, शेयर करने चाहिए, अपनी कुर्बानियां देने का वक्त है। ये मेवात को और बदनाम करने का ये वक्त नहीं है। और जो लोग साथियों ऐसे लोगों को झेल रहे हैं, ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे अपील है, विनती है कि तुरंत प्रभाव से इन लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएं। हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो किसी की भी नहीं सुन रही हैं और वो वल्गरिटी के कंटेंट्स डाल रही हैं, हमारे ऐसे भाई भी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। हम बहुत यूनिक हैं, हम सब लोगों को अपनी लाइफ को यूनिक समझकर जीना चाहिए साथियों। तारीख कभी पीछा नहीं छोड़ती। हो सकता है कि अभी हम निकल जाएं, अभी हम पॉपुलर हो जाएं, अभी हम कुछ कमा भी लें, लेकिन कुछ अरसे बाद, वक्त गुजरने के बाद फिर लोग आपको रिव्यू करेंगे और फिर साथियों लोग आपको उसी मेयार से, उसी विजन से रिव्यू करेंगे जो आपकी औकात है, जिसके लिए आप साथियों डिजर्व करते हैं। वैसे भी साथियों मैं बता चुका हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। भले ही पॉपुलर होने में, चंद रोकड़ कमाने में आपको टाइम लगे, लेकिन साथियों रास्ता वही लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वही टॉप मेयार के एथिक्स वाला होना चाहिए और साथियों उसके लिए वेट करना चाहिए। हम यहाँ रोकड़ या चंद पैसे कमाने नहीं आए हैं साथियों। पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमने बुजुर्गों की लीगेसी से हम इसको सुनते आ रहे हैं, हमने सुना है, तारीख ने भी ये बताया है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग साथियों गुजरे हैं और फिर एक वक्त के बाद वो फिर तारीख का हिस्सा बन गया। हम तारीख में साथियों उन्हीं, यानी जब हम रिव्यू करते हैं तो
दूध का दूध पानी का पानी की तरह लोग साथियों रिव्यू करते हैं, बहुत जजमेंटल तरीके से करते हैं, न्यायाधीश की भूमिका में करते हैं। हमारी नस्लें भी होंगी, हमारे बच्चे भी होंगे, हमारी उम्रें भी बढ़ेंगी, उन सब को ध्यान में रखकर साथियों हमें इन वर्चुअल इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना चाहिए। इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखें कि कितने लोग आपको लाइक्स देते हैं, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। आप अपने मेयार अपने स्टैंडर्ड को कभी नहीं गिराएं साथियों, भले ही लोग आपको लाइक करें डिसलाइक करें छोड़ दीजिए, आप अपनी आत्मा अपनी रूह की आवाज़ को हमेशा सुने, खुद को रिव्यू करें, अपने आप से सवाल करें। ऐसे कंटेंट्स ऐसी सूचनाएं हमें डालनी चाहिए जो हम फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ अपनी बहन बेटियों के साथ आसानी से शेयर कर सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भले ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, हमें भी इसको फैमिली मानना चाहिए साथियों। मैं एक शिक्षक हूँ, मेवात इलाके से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत तकलीफ होती है लोग जब हमें ऐसे कंटेंट्स दिखाते हैं, बताते हैं कि सर ये मेवात के बच्चे हैं। तो आपसे साथियों बहुत तकलीफ मैं ये बोल रहा हूँ, खुद के लिए भी कह रहा हूँ, अगर हम मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, हम सबको बेहतर कंटेंट्स और साथियों मेयार का ध्यान में रखकर अपने आप को शेयर करना चाहिए। साथियों पैसा हुनर क्वालिटी और स्किल्स का गुलाम है, अगर आप डिजर्व करेंगे तो पैसा आपकी तरफ साथियों वैसे ही भागेगा। और हम लोग इतने बड़े बुजुर्गों की लिगेसी वाले लोग हैं, हमारे पास इतनी कहावतें, इतने सारे साथियों हमारे पास सच्चाई वाली स्टोरीज हैं, किस्से हैं, ठोस बुनियाद वाली बातें हैं, हमें ये फॉलो करना चाहिए। तो साथियों हम लोग ये ध्यान रखें कि हमें आगे से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो भी अपने कंटेंट्स जो भी हम सामग्री साथियों अपलोड करें अपडेट करें उनमें मॉरेलिटी एथिक्स दीनिया और साथियों जेंडर रिलेशनशिप का ध्यान रखना चाहिए रखना होगा। और अगर साथियों फिर भी कोई नहीं रुकता है या इस तरह की वल्गरिटी फैलाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मेवात के हित में और बल्कि सोसाइटी के हित में पूरी दुनिया में आपकी ये बड़ी खिदमात है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा अजर देगा इसका। थैंक यू सो मच साथियों, हम सब इसका ध्यान रखें। थैंक यू साथियों।